हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TNPL मैच नंबर 11 के बारे में दोस्तों, जो कि आज 3:15 पे खेला जाएगा CSG वर्सेज आपका DDK के बीच। दोस्तों कल का कंपटीशन हमारा जबरदस्त था, लेकिन दोस्तों कप्तान की सोच को हम दोस्तों नहीं पकड़ सकते। कल हमने बताया था कि ओपनर बॉलों में से एक कैप्टन बनेगा जो कि 3-4 विकेट लेगा। दोस्तों उन्होंने बॉलिंग उस बॉलर करवा दी जो आज तक बॉलिंग दोस्तों नहीं कर रहा था, तो हमारा कंपटीशन वहाँ पर गलत हो गया। तो दोस्तों इसलिए बोलता हूँ मैं, हमारा कंपटीशन बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा अगर मैच हमारे हिसाब से लगा। अगर कप्तान किसी बॉलर को कहीं रोटेशन करके बॉलिंग करवा रहा है दोस्तों, उसमें हम या आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, बस हमें कोशिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जानकारी निकल के लाया हूँ। आज मैं सारे बॉलर आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ बॉलिंग करेंगे और किसने किस टाइम पर कब बॉलिंग की थी, ताकि आज का मैच हमारे से मिस बिल्कुल ना हो और हम आराम से ग्रैंड लीग विन करें या स्मॉल लीग दोस्तों विन करें। दोस्तों आपको पता होगा कि आज आईफोन वगैरह भी दे रहे हैं 2-3 रैंक तक, और आपको 15 लाख रुपए का इनाम भी दोस्तों मिल रहा है। तो दोस्तों एक बेहतरीन टीम बनाएंगे, उससे पहले जान लेते हैं हम आपकी प्लेइंग 11 के बारे में, दोनों टीमों की और पिच रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों मैच बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा और आज के जो बॉलर होंगे किसने कहाँ बॉलिंग की वो सारा रिकॉर्ड मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ। तो दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों वेन्यू दोस्तों सेम वेन्यू रहने वाला है, NPR क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम दोस्तों सेम वेन्यू है और आपका एवरेज स्कोर 160 का है। पिच बैटिंग है, यहाँ पे वेदर थोड़ा क्लाउडी है, क्लाउडी थोड़ा हल्की फुल्की बारिश होने के चांस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मौसम में ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल मौसम दोस्तों साफ है। दोस्तों विनिंग चांस की बात की जाए तो CSG 60%, DD 40%, लेकिन दोस्तों ये 60 और 40 का आंकड़ा तभी कामयाब होगा जब टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि जो रिसेंट मैच हमने देखे हैं चेस करते हुए टीम आराम से दोस्तों विन कर रही है और एक टीम 10 विकेट दे रही है, जैसा हम देख रहे हैं हर मैच में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इनकेस दिन का मैच है, 1% चांस दोस्तों, अगर आपको बताऊं मैं तो 99% चांस तो इस तरह ही होंगे कि पहले जो बॉलिंग करेगा वो आराम से 120-130 रन पे पहले ही टीम को रोक देगा और उसके 10 विकेट जाएंगे दोस्तों, और तो सेकंड टीम चेस करते हुए 1-2 विकेट पे ही मैच को विन कर लेगी। लेकिन दोस्तों दिन का मैच है, कहीं ना कहीं आप मान चलो थोड़ी सी परसेंटेज इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि जो टीम पहले खेल लेगी हो सकता है वो आज कम विकेट होकर अच्छा स्कोर खड़ा कर दे और चेस करने वाली टीम दोस्तों हार जाए। तो दोस्तों ये भी चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी, इसके आधार पर एक अच्छी खासी आप बेहतरीन टीम दोस्तों बना सकते हो। दोस्तों बात करते हैं CSG के बारे में। दोस्तों CSG की प्लेइंग 11 और बॉलर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ओपनिंग जोड़ी परदोष रंजन पाउल और एन जगदीशन, उसके बाद एस संतोष शिव, बाबा अपरजीत और आपका संजय यादव, यू सहदेव, एस हरीश कुमार, आर रोहित, TD लोकेश, राहिल शाह, एम सिलभरसम और आपका MV अरुल। दोस्तों इनके प्लेइंग 11 है और इनके बॉलर कौन कौन से बॉलिंग कहाँ पे करते हैं उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे अभी। इससे पहले जान लेते हैं DD की प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों DD की प्लेइंग 11 शिवम सिंह, विमल कुमार के साथ ओपनिंग कर रहे हैं और वन डाउन आपका एस अरुण आ रहे हैं, उसके बाद बाबा इंद्रजीत आ रहे हैं। दोस्तों आज दो बाबा हैं हमारे पास, बाबा इंद्रजीत और आपका बाबा अपरजीत, और दोनों ही दोस्तों बहुत काम के हैं। आप कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दोनों नीचे बैटिंग करने आ रहे और नीचे ही बॉलिंग दोस्तों कर रहे हैं, इस पिच पे नीचे ही बॉलर और बैट्समैन कामयाब है, तो दोनों का आप रोटेशन कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों कर सकते हो। और आपका पाँचवें नंबर पर आ रहा है ए गणेश और सिक्स पे अश्विन और आपका एस भाटी, बी कुमार, PS कुमार, आपका MM वरुण चक्रवर्ती। तो दोस्तों इनकी प्लेइंग 11 दोस्तों होगी। अब बात करते हैं अपनी ग्रैंड लीग टीम के बारे में, कैसे है कि हम अच्छी खासी बेहतरीन ग्रैंड लीग टीम बना सकते हैं और अच्छा खासा विन दोस्तों कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम दोनों के बॉलर जान लेते हैं किसने कब कहाँ बॉलिंग की थी, कभी आपको पता लगे कि आप कैप्टन बनाओ वो बॉलिंग आज बॉलिंग दोस्तों बॉलर बॉलिंग ना करे फिर आपकी टीम दोस्तों खराब हो जाए। तो दोस्तों बात करते हैं CSG की बात करते हैं। एस हरीश कुमार ओपनिंग बॉलिंग दोस्तों कर रहा है, आर रोहित के साथ में ओपनर बॉलर हैं दोस्तों, ये दोनों ही फिक्स बॉलिंग दोस्तों कर रहे हैं जब अब तक देखा जा रहा है। और तीसरे नंबर पे आपका राहिल शाह आ रहा है और आपका पांचवें नंबर पे जो बॉलर है ये पांचवें नंबर पे अजमा रहे हैं आपका एम सिलभरसम को, और छठे पे MV अरुल को, और आपका यहाँ पे TD लोकेश को भी ये 1-2 ओवर दोस्तों दे रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं दोस्तों आपका संजय यादव भी 2 ओवर कभी कभी कर रहा है, बाबा अपरजीत तीसरे नंबर पे दोस्तों बॉलिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये इनके बॉलर हो गए, इस प्रकार बॉलिंग कर रहे हैं, तो कभी कभी दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि तीसरे नंबर पर आपका यहाँ से राहिल शाह आ रहा है, कभी चौथे पर आ रहा है, तो राहिल शाह 3-4 नंबर पर बॉलिंग दोस्तों करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में दोस्तों रखनी होगी अपने। और आपका सिलभरसम कभी कभी 4 ओवर कर रहा है, कभी कभी 2 ओवर कर रहा है, तो दोस्तों ये इनके बॉलर हैं, इसके अकॉर्डिंग हम टीम बनाएंगे। हो सकता है ऊपर आज बॉलिंग करे एम सिलभरसम और उसको ऊपर बॉलिंग में के लिए प्रमोट कर जाए, 4 ओवर दे जाए, कभी 2 ओवर दे रहे कभी 4 ओवर दे रहे, दोस्तों ये बात आपको पता होनी चाहिए। वहीं बात करें DD की, दोस्तों DD की तरफ से ओपनर जो बॉलर हैं आपका PS कुमार दोस्तों ओपनिंग बॉलिंग कर रहे हैं आपके एस अरुण के साथ में, एस अरुण तीसरे नंबर बैटिंग भी कर रहा है और दोस्तों बॉलिंग भी कर रहा है, लेकिन 2 ही ओवर दोस्तों मिल रहे हैं
मिल रहे हैं फेंकने को। उसके बाद एस भाटी 3 नंबर पर बॉलिंग कर रहा है, कभी कभी 5 नंबर बॉलिंग कर रहा है। दोस्तों अगर आज 3 नंबर बैटिंग करता है तो कैप्टन वाइस कैप्टन दोबारा फिर बनेगा। अगर 5 नंबर चला गया तो दोस्तों कुछ कह सकते। 4th नंबर पे अश्विन है और आपका 5वें नंबर पे है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती कभी 6 नंबर पे भी बॉलिंग कर रहा है, कभी 5 नंबर बॉलिंग कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार के इनके बॉलिंग लाइनअप है, तो आप थोड़ा सा इसको देख लो ध्यान से। और दोस्तों बात करते हैं अपनी ग्रैंड लीग टीम के बारे में। दोस्तों जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी उसके हिसाब से हम कैसी टीम बनाएंगे। दोस्तों पहले चलते हैं CSG की तरफ से। CSG अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो ओपनर बॉलर में और इम्पोर्टेंट हो जाएंगे एस हरीश कुमार और आपका यहाँ से आर रोहित। दोस्तों आर रोहित और हरीश कुमार ओपनर बॉलर हमें दोस्तों दोनों पिक करने हैं। अगर 4 ओवर करता है रोहित तो हमारे लिए काम का है, अगर 2 ओवर करेगा तो फिर किसी काम का है दोस्तों। तो एस हरीश कुमार को हम लेंगे और रोहित को लेंगे। 3rd नंबर पर राहुल शाह को लेंगे और आपका यहाँ से हम 4th नंबर पर हम लेंगे दोस्तों यहाँ से संजय यादव को। और दोस्तों बैटिंग सेक्शन से प्रदोष रंजन पाउल एंड जगदीशन और बाबा अपरजीत दोस्तों हमारे साथ पर यहाँ से इंपॉर्टेंट होंगे। और कैप्टनसी के साथ में हम जाएंगे बाबा चेस करते दोस्तों यहाँ से जाएंगे हम जगदीशन और वाइस कैप्टन बाबा अपरजीत के साथ में। जगदीशन और अपरजीत अगर चेस करती है और पहले बॉलिंग करती है, वहीं दोस्तों अगर DD पहले बॉलिंग करती है तो किस प्रकार टीम बनेगी। DD पहले बॉलिंग करती है तो यहाँ से पी एस कुमार और आपका यहाँ से एस अरुण और रविंद्र चंद्र अश्विन भाटी और आपका वरुण चक्रवर्ती हम यहाँ से 4 बॉलर लेंगे। और बैटिंग में शिवम सिंह, विमल कुमार और एस अरुण को दोस्तों हम पिक करेंगे। अरुण बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है दोस्तों। वहीं कैप्टनसी की अगर बात की जाए पी एस कुमार और अरुण में से हम एक कैप्टन बनाएंगे। पी एस कुमार के हम साथ जाएंगे क्योंकि 4 ओवर पूरे फेंक रहा है, एस अरुण कुमार 2 ओवर फेंक रहा है। वहीं अगर हमें लगता है एक हम कैप्टन पी एस कुमार को अजमाएंगे और दूसरे में कैप्टन हम एस भाटी को दोबारा फिर अजमाएंगे बाबा इंद्रजीत के साथ में, ठीक है दोस्तों। अगर बॉलिंग थोड़ी सी ऊपर से चेंज हुई तो फिर हम आपका वरुण चक्रवर्ती साथ दोस्तों जा सकते हैं। लेकिन अगर बॉलिंग सेम भाटी ने सही जगह बॉलिंग की तो भाटी दोबारा फिर 2 से 3 विकेट दोस्तों आराम से लेगा। अगर 3-4 नंबर तक बॉलिंग करता है दोस्तों आराम से विकेट लेगा। 2-3-4 नंबर पर बॉलिंग करते हुए अच्छी बॉलिंग करेगा और बाबा इंद्रजीत के साथ में कैप्टन बनता आपको दोबारा फिर नज़र दोस्तों आएगा। कैप्टन बाबा इंद्रजीत के साथ में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनता आपको दोस्तों नज़र आएगा। दोस्तों यहाँ से आप एक सेफ टीम भी दोस्तों बना सकते हो। आप दोनों बाबा अपरजीत और बाबा इंद्रजीत को आपस में कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेशन करके दोस्तों बना सकते हो। एक अच्छी खासी टीम दोस्तों बन सकती है आपकी, क्योंकि दोनों ही ये खिलाड़ी फैल नहीं होने के, दोनों ही पास होंगे क्योंकि दोनों बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहे हैं और सही जगह खेलने आ रहे हैं, सही जगह दोस्तों बॉलिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं टीम दूंगा आपको 2 से 5 मिनट पहले। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।